फाइनली आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, यलगार हो। सच में धमाका मचा रखा है कैरी मिनाटी ने, अपने अंदर का सारा बाल उसने इस गाने में निकाल के रख दिया। चलिए, वैसे तो इस सॉन्ग को मैं नहीं बनाता, मगर जब किसी भी गाने के लिए रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आपकी उस रिक्वेस्ट पर वीडियो बनना ही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कमेंट में भी कहता रहता हूँ कि जिन गानों के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी मैं उसी गाने को बनाऊँगा, चाहे वो गाना कैसा भी हो, क्योंकि आपकी पसंद आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पर। तो चलिए इसे भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। इसको हम सीखने वाले हैं मिडिल ऑक्टेव के एफ नोट से। टोन मैंने ऑर्गन रखी हुई है, आप चाहे तो कोई भी टोन रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो होती है इसकी, वो होती है इसके म्यूजिक पार्ट से। तो पहले तो मैं आपको म्यूजिक पार्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो म्यूजिक शुरू होगा एफ नोट से। तो बहुत ही सिंपल है म्यूजिक, क्या करना है आपको, एफ ई एफ ई एफ ई, तीन बार एफ ई एफ ई एफ ई, ठीक। उसके बाद बी सी डी, ठीक है, पहले एफ ई तीन बार, फिर बी सी डी। तो कैसे प्ले होगा, ठीक, और इसको रिपीट कर देंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था ये म्यूजिक। तो अब बढ़ते हैं गाने की तरफ। गाने की जो पहली लाइन है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे ई नोट से। यहाँ से हम इस लाइन को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। तो ये जो पार्ट है इसका, ये जब सेकेंड टाइम प्ले होगा तो अलग तरीके से होगा। तो जब हम इसको गाने के बीच में सेकेंड टाइम प्ले करेंगे तब ये थोड़ा अलग हो जाएगा, नोटेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अलग अलग प्ले हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में बजाया उसी तरीके से आपको बाद में भी बजाना है, नहीं, बाद में थोड़ा अलग हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम किस तरीके से प्ले होगा, पहली लाइन, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। अब इसको स्लो देखिए, एक का हा नी है जो सबको सुनानी है, ठीक है, एक के लिए ई, कहानी के लिए ई, एफ ई, है के लिए ई, जो के लिए ई, फिर सबको के लिए तीन बारी, फिर सुनानी ई एफ ई, फिर है के लिए ई। तो एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ठीक। अब इसके बाद है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक है, ये भी लगभग वैसे ही है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक, ठीक। और इसके बाद रिपीट लाइन है जो हमने पहले सीखी, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, उसको रिपीट कर देना है, ठीक है, ये रिपीट कर देनी है। इसके बाद इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, ये अलग है, इसको देखिए इस तरीके से, देखिए इन की भूख भी तो मैंने, मैंने के लिए मैं पहुंचेगा बी पर, मैं, और ने आ जाएगा वापस ई पर, ठीक, मैं ने ही मिटानी है, मी और फिर टा पहुंच जाएगा बी पर, टा फिर वापस नी आ जाएगा ई पर, कैसे, मी टा नी, ठीक, मी टा नी और है वापस ई, ठीक। तो एक बार सिंगल फिंगर से देखिए, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, ठीक। तो ये जो चार लाइन हमने सीखी है, ये इस गाने की मेन लाइनें हैं, ठीक है, इनको अगर आप बजाओगे तो आपको मज़ा आएगा, बाकी जो लाइनें अगर आप उनको बजाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बजाने में मज़ा नहीं आएगा, सुनने में आपको मज़ा आएगा मगर बजाने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा।
बाकी जो आगे लाइनें आएंगी उनमें क्या है, बोला गया है, तो जब बोला जाता है तो उतनी लयकारी बनती नहीं है, फिर मज़ा भी नहीं आएगा बजाने में, ठीक है। तो जो इस तरह के सॉन्ग होते हैं ना, रैप सॉन्ग, इनमें क्या होता है, बोला जाता है, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं, थोड़ा लाउडली बोला जाता है, इनमें लयकारी नहीं होती है, तो फिर उस तरह से ना मज़ा नहीं आता बजाने में पियानो पर, और अच्छा भी नहीं लगता है। बाकी सुनने में आपको अच्छा लगेगा, रिदम होता है और जिस तरह बोला जाता है वो अच्छा लगेगा, ठीक है, बीट पे, मगर हम अगर उस चीज़ को बजाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, जो शुरू की जो चार लाइनें हैं उसका जो दूसरा वर्जन है उसको सीख लेते हैं, ठीक है, वही मेन लाइन है इस गाने की, उन्हीं को आप अच्छे से सीख लीजिए, उसी में मज़ा है बजाने में भी, ठीक है। तो बाकी लाइन तो मेरे हिसाब से सीखना कोई मतलब नहीं है, तो यही करते हैं। जो शुरू की लाइन है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। अब जब ये दूसरी बार प्ले होता है तो किस तरीके से प्ले होता है ये देखते हैं अब, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमें बजानी है। तो आपने देखा यही लाइन हमने जब स्टार्टिंग बजाई थी तो थोड़ा अलग थी, अब जो हम इसको बजा रहे हैं तो थोड़ा अलग है। तो आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन चार लाइनों पे दोनों वर्जन को आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है, बाकी लाइन आप छोड़ दीजिए। तो पहली लाइन, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ठीक। अब इसको देखिए, एक कहानी का हा नी है जो सब सब और को, ठीक है, सब को अब सुनानी है, सुनानी है। फिर से देखिए, एक कहानी है जो सब को सुनानी है, ठीक। इसके बाद जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, तो ये सेम ऐसे ही प्ले होगी, रिपीट कर देनी है, ठीक, सेम टू सेम। इसके बाद फिर से है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ये थोड़ा अलग हो जाएगी, देखिए इस तरीके से, स्लो देखिए, एक कहानी है जो अब सब सब को, वापस जाएंगे, सुनानी और है आएगा जी पर, इस तरीके से यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर से देखिए, एक कहानी है जो सबको अब सुनानी है, ठीक। चौथी लाइन, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, ठीक। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।